तो देखिए, आवारा आतंक पर लगाम कब? स्ट्रीट डॉग, पालतू कुत्ते भी लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। और देखिए, दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि यूपी की दिक्कत नहीं है कुत्तों की, आवारा कुत्तों की, ये देशव्यापी समस्या है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कुत्तों का आतंक, बंदरों का आतंक, यूपी में आवारा पशुओं का डॉग अटैक के केस। 12 जुलाई को लखनऊ में पिटबुल का हमला सामने आया था, पिटबुल ने मालकिन को नोच नोच कर मार डाला। ये तो वो हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं, वरना स्थितियां नहीं पता चलती हैं। गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन में हमला हुआ था, ये आपको 6 सितंबर की घटना है। उसके बाद 6 सितंबर को बच्चे को लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने काट दिया था, ये आपको घटना दिखा रहे हैं। अब आपको बीगल डॉग ने बच्चे को लिफ्ट में काटा था 6 सितंबर को, ये हम जानकारी दे दें कि बीगल डॉग था। 8 सितंबर को फिर गाजियाबाद में सेक्टर 23 में पिटबुल का हमला हुआ। इसके अलावा 11 साल की बच्ची पर पिटबुल डॉग ने हमला किया, यानी स्ट्रीट डॉग का ही तो नहीं, मतलब जो पालतू कुत्ते वो भी लोगों को, बच्ची को चेहरे पर समेत 200 टांके लगे थे। ये 8 सितंबर की घटना है। पिटबुल के मालिक पर 5,000 का तब जुर्माना भी लगा था। और ये कुक 13 अक्टूबर की गाजियाबाद के वैशाली में बच्ची पर हमला हो गया, ये आपको अभी की हाल फिलहाल की घटना है। 11 साल की बच्ची पर पिटबुल ने हमला किया था। पिटबुल बीट जो बहुत ही खतरनाक होती है, बच्ची के दोनों पैर पर पिटबुल ने काटकर घायल कर दिया था। उसके बाद आपको बताया कि अगर कुत्ता काटता है तो 5 इंजेक्शन, पहले तो 14 लगते थे लेकिन अब 5। नवी मुंबई के करीब पनवेल में हमला हुआ था 29 अगस्त को, डिलीवरी बॉय पर जर्मन शेफर्ड डॉग का हमला हुआ था। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बता रहे हैं कि कहां से कैसे मुंबई तक की, मतलब देशव्यापी समस्या है। तो मध्य प्रदेश के सतना में भी मालिक पर हमला कर दिया गया था, एक कुत्ते ने ही उसके अपने मालिक पर हमला कर दिया। पालतू जर्मन शेफर्ड मालिक पर हमला किया था, यानी जर्मन शेफर्ड था जिसने हमला किया। मालिक को चेहरे और हाथ पर चोट लगी थी, वो घायल हो गया था, गहरी चोटें लगी थी। लखनऊ के कृष्णानगर में युवक पर हमला हुआ था। तो ये बहुत सारे मामले हैं, आपको बता दें कि ये बहुत सारे मामले हैं जो अभी हाल में घटनाएं बढ़ी हैं, लगातार घटनाएं बढ़ी है। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर रजनीश चंद्र हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, वो पशुओं के डॉक्टर हैं, हमें बेहतर तरीके से बताएंगे। श्रुति कीर्ति है, अग्निहोत्री हैं, डॉग लवर है। श्रुति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका राणा आरटीआई एक्टिविस्ट है। पीयूष गौर रहेंगे हमारे संवाददाता गाजियाबाद से। पहले पीयूष का रुख कर लेते हैं, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष, कि गाजियाबाद में भी लगातार घटनाएं सामने आ रही, कभी स्ट्रीट डॉग की घटनाएं, कभी पालतू कुत्तों का आतंक, ये क्या, क्योंकि क्या कोई नियम अभी तक नहीं बनाए गए या कुछ वार्न नहीं किया गया लोगों को, या स्ट्रीट डॉग से निजात पाने के लिए कोई कदम नगर निगम की तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो उनको देख के तो यही लग रहा है कि कोई सख्त निर्देश नहीं बनाए गए हैं। और इसके साथ में मैं आपको बता दूं, नगर पालिका की तरफ से, नगर निगम की तरफ से तमाम तरीके के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेट किया जाएगा, इसके साथ में इनका बांधीकरण भी किया जाएगा ताकि इनकी प्रजनन क्षमता खत्म हो सके और इनकी संख्या में इजाफा ना हो सके। इसके साथ में पिटबुल और जो भी रॉटविलर जैसी ब्रीड्स हैं उनको रखना पाबंद कर दिया गया, यानी उनको रखने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके साथ में लाइसेंस ना होने पर, जिसके साथ में आप कुत्तों की वैक्सीनेट करने की सारी जानकारी निगम के साथ में साझा करेंगे, तो उसके ना होने पर 5,000 रुपए का फाइन है। पर इन सब के बावजूद अवेयर कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं निगम में, अभी और भी प्रस्ताव रखे गए जिसमें जो डॉग काटने की घटनाएं हो रही थी उनको रोकने के उपाय के बारे में चर्चा की गई थी। पर इन सारे ये सारे उपाय नाकाफी लग रहे हैं क्योंकि इस तरह की घटनाएं तमाम सामने आ रही है। और इसके बावजूद जो आज घटना आई है उसमें बच्चे को वैक्सीन तक नहीं मिल पाई, तो ये कहीं ना कहीं जो बिल्कुल एक बड़ी बात है। हम लौटेंगे क्योंकि हम मेहमानों से हम चर्चा की शुरुआत करें। श्रुति कीर्ति अग्निहोत्री हैं, डॉग लवर है, पहले उनसे जान लेते हैं। श्रुति कीर्ति जी, आप तो डॉग लवर है, क्योंकि बहुत से लोगों को कुत्तों से बड़ा लगाव होता है, कुत्ते पालते हैं, लेकिन ये कुत्ते तो आतंक का पर्याय बन चुके हैं, डर लगता है कुत्तों को देखकर, ये घटनाएं क्यों हो रही है? डॉग लवर है आप तो जानती होंगी बखूबी, क्या कुत्तों को, अगर पालतू कुत्ते अटैक करते तो मतलब मालिक का फेलियर हुआ क्योंकि वो उसको संभाल नहीं पाते हैं, और स्ट्रीट डॉग का तो ये प्रशासन का फेलियर है क्योंकि लगातार गलियों में इतने आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। श्रुति जी आप मुझे सुन पाए? हाँ जी, अब आ रही आवाज। जी जी श्रुति जी, ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? आप तो डॉग लवर है, आप तो कुत्तों को बखूबी जानती होंगी अच्छे से। जी मेरा ये मानना है कि जो पालतू कुत्तों को लेके जो घटनाएं हो रही हैं उसके तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो क्योंकि हम लोग अभी ना स्ट्रीट डॉग्स की केयर करते हैं, तो स्ट्रीट डॉग्स की जो हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं
उसको लेके कई कारण हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कुत्ते को कोई पर्टिकुलर कोई बीमारी है जो कि हमें नहीं पता है। तो कई बार ये होता है कि जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग को घटनाएं सुनने में आती है कि अच्छा कुत्ता काट रहा है, पागल हो गया है, या इस तरीके की घटनाएं सुनने में आती हैं। तो जब भी जैसे हम रेस्क्यू कराने गए हैं तो पता चला कि अच्छा पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब हम उनको ले करके अपने वेटनरी सर के पास जाते हैं या किसी भी डॉक्टर के पास दिखाने हम गए हैं, तो हमें ये पता चला है कि अच्छा हाँ उन्हें ये पर्टिकुलर बीमारी है। तो इस वजह से भी जो है कुत्ते हिंसक हो जाते हैं। इसके अलावा भी कई कारण हैं, जैसे कि मान लीजिए वो भूखे हैं, उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की कई चीजें होती हैं जो सामने आती हैं जिसकी वजह से कुत्ते हिंसक हो रहे हैं। जी चलिए डॉक्टर साहब, ये वेटनरी डॉक्टर है डॉक्टर रजनीश चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कई बार इस मसले पर, लेकिन ये स्थिति अब तो आए दिन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये फिर कैसे कंट्रोल होगी? या तो नगर निगम कोई ठोस कदम उठाए स्ट्रीट डॉग को लेकर खासकर, और पालतू कुत्ते तो देखिए आप मालिक भी नहीं रोक पा रहा है। कई बार होता है कि आपको शौक तो है कुत्ते को पालने का, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाते कुत्ते को। देखिए पहली बात तो ये घटना बहुत ही अफसोसजनक है। इस तरह की घटनाएं से बचने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता है, जिसको हमको समझना पड़ेगा कि हमारा ये पूरा विश्व एक पारस्परिक रूप से चलता है। उसमें एक आदमी, एक पशु, एक पक्षी, सभी लोग एक समेकित रूप से रहने चाहिए, और उसके लिए हमको आपस में ऐसी धारणा बनानी पड़ेगी कि हमको एक दूसरे के साथ में रह के सीखना होगा। तो अगर हम इस तरह से नहीं सीखेंगे साथ में रहना, तो ऐसी घटनाएं आपस में टकराव होंगे और इस तरह की परेशानियां होंगी। जैसे कहते हैं कि प्रेम दो प्रेम लो, यदि हम पशुओं को अगर अच्छे तरीके से हम खाना नहीं खिला सकते हैं या उनको देख नहीं सकते हैं या किसी तरह से गवर्नमेंट के तरीके से भी से की तरफ से भी मदद लेके हम उनको प्यार से नहीं दे सकते, तो उनको हम साथ में कैसे रख पाएंगे? ये एक सबसे बड़ी समस्या है। जो कि जैसे कि अगर आप नगर निगम की बात कर रहे हैं, नगर निगम एक इसमें अच्छा प्रयास कर रहा है कि सभी पशुओं का बधियाकरण करा रहा है। अमूमन एक आम जानकारी के तौर पे बता दूं कि यदि एक मेल है और अगर वो क्रॉस कर रहा है, तो उसको अगर आप नहीं रोकें और उनका बधियाकरण नहीं कराएंगे, तो एक पूरी जिंदगी में लगभग उसके द्वारा किए हुए क्रॉस के नतीजे से 5 से 6 हजार तक डॉग्स हो सकते हैं। रजनी जी, हम बधियाकरण सबसे पहला उपाय है। बधियाकरण, और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक समस्या है रजी जी, वो बधियाकरण आप ठीक है, लेकिन आपने बहुत सारी बातें कही कि देखिए प्यार दो प्यार लो तो अच्छी बात है, उनका ध्यान रखना चाहिए। मैं क्योंकि देखिए अगर हम नगर निगम या प्रशासन के भरोसे बैठे रहेंगे तो फिर तो नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन कब ये अपना मिशन पूरा करेगा, कब प्रशासन ध्यान देगा, आप प्रशासन से तो उम्मीद मत करिए। लेकिन डॉक्टर रजी जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि बहुत चीजें आप बताइए ना, अगर गली में स्ट्रीट डॉग अक्सर देखा है कि लोग देखकर भागने लगते हैं, बचे कैसे अगर कटने अभी रास्ता? आपसे यह जानना चाहूंगा कि भैया अगर सामने कुत्ता है, लग रहा है कि वो हिंसक हो सकता है, तो उससे बचे कैसे? एक तो बहुत से लोग, जैसे वो बच्ची अभी दौड़ रही थी तो उसके पीछे कुत्ते भाग गए, अगर आप दौड़ रहे हैं तो या रुक जाएं या फिर अचानक, क्योंकि हमने देखा कि अगर आप दौड़ रहे हैं और कुत्ता आपके पीछे दौड़ रहा है और आप रिटर्न होकर उसको थोड़ा सा उसको डराने की कोशिश करते हैं तो कुत्ता रुक जाता है। तो ऐसी चीजें बताइए, ऐसी बिंदु की रास्ता हो क्या? निगम के और प्रशासन के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने के जाने। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। मैं इस किसी बात पे आ रहा था, आप किसी बात पे आ रहा हूं कि यदि सबसे पहले यदि आप किसी गली से गुजर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई डॉग आपको चेस करने की कोशिश कर रहा है या आपको पास में, कई बार ऐसा होता है 90% केसेस में उत्सुकतावश आते हैं, उत्सुकतावश आएंगे आपके पास, आते हैं, आपको सूंघते हैं, आपसे जान पहचान बढ़ाते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन यदि आपने उसके उलट यदि कोई पत्थर उठा लिया, छड़ी उठा ली और आपने उसको किसी तरह हार्म करने की कोशिश की, तो वो प्रोटेक्टिव एग्रेशन में आ जाते हैं। अपने आप को बचाने के लिए प्रोटेक्टिव एग्रेशन में आके वो आपके ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए, नंबर एक। बजाय उसके कि आप रुक के उसको हुश करें या उसको जो है किसी चीज से ईंटा मारने की कोशिश करें, बिल्कुल मत करिए। आप खड़े रहिए, वो पास में आके आपको सूंघेगा, आपसे पहचान बनाएगा और वापस चला जाएगा। और उसे डरे नहीं, वो हमारे बीच में रहने वाला हमारा ही एक दोस्त है। लेकिन आधे लोग, 90% लोग केवल डॉग का चेहरा देखते हुए और मीडिया ने इतना कुछ दिखा दिया कि हमेशा भागने लगते हैं जी। दूसरी बात है कि आपने कही सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि सारा काम सरकार नहीं कर सकती,
लेकिन उसके लिए हमारे बीच में श्रुति कृति जैसे, शालिनी जैसे, मैडम कामना पांडे जैसे, बहुत सारे ऐसे हमारे एनिमल लवर्स हैं जो लोगों को फीड कराते हैं। तो जो फीडर्स हैं उनको हमारे सोसाइटी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि वो सरकार का काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से वो जाकर अपने एनिमल्स को खाना खिलाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, हमारे पास आते हैं, हम लोग उसका फ्री वैक्सीनेशन या बधियाकरण कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना कार्य करने की। एक साथ दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि रही बात बधियाकरण की, कि बधियाकरण केवल सरकार का काम नहीं है, बधियाकरण को का डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है कि कुछ एक पशु जो ये एक बड़ी बात है क्योंकि उनके द्वारा भी इतना आ रही है तो हम दिखा रहे हैं, उसके बाद लोगों में एक डर बनता है और डर देखिए स्वाभाविक है। एक बार मुझे कुत्ते ने काटा लेकिन तब से मुझे कुत्तों से डर लगने लगा है, पहले कुत्तों से डर नहीं लगता था। प्रियंका राणा उनको भी जोड़ लेते हैं चर्चा में। प्रियंका जी क्या समाधान दिखता है? आप आरटीआई एक्टिविस्ट है क्योंकि प्रशासन के भरोसे या सरकार के भरोसे बैठेंगे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि प्रशासन करेगा ही नहीं। आप शिकायत कर लीजिए, आप कह दीजिए, बोल दीजिए, कुछ कोई कदम उठाएगा नहीं, उनकी योजनाएं बनेंगी फिर वो धरातल पर आएंगी, तब तक तो कई लोगों को काट चुका होता है कुत्ता। जी, और मैं पिछले 7 साल से इस पर काम कर रही हूँ और अभी जो कहा कि डॉग लवर्स फीड करते हैं, मैं कहती हूँ डॉग्स की तो प्रॉब्लम ही नहीं, जो स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है ना, ये असली में बनाई हुई जो सो कॉल्ड डॉग लवर्स है ना, जो रेजिडेंट की सुनते नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम जब होती है जब डॉग्स काट रहे होते हैं, जो फेरोशियस डॉग हैं, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं, और वो लोगों को काटते हैं और उनकी कंप्लेन की जाती है, और यही जो डॉग लवर्स है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन कुछ डॉग लवर्स की बात कर रही हूँ जो रेजिडेंट की ये सामने देखते हुए कि नोचा जा रहा है बच्चों को, बिल्कुल लिटरली फाड़ देते हैं कुत्ते, लेकिन उसके बाद भी वो इस बात पे अड़े रहते हैं कि नहीं जी ये डॉग्स ठीक है और ये इसी सोसाइटी में रहेंगे और इनको हम हटने नहीं देंगे। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है, ये आपका जो प्रेम है ये सिर्फ डॉग्स के लिए होता है, ये क्या सबके लिए नहीं होता है? प्रेम तो सबके लिए होना चाहिए ना, आपकी जो संवेदनाएं हैं वो डॉग्स के प्रति भी सेम होनी चाहिए और रेजिडेंट के बच्चों के लिए भी सेम होनी चाहिए। तो ये कैसा प्रेम है कि वो सिर्फ एक जानवरों के लिए ही है, वो इंसानों के लिए नहीं है। दूसरी चीज, अभी स्टरलाइजेशन की बात हो रही थी, स्टरलाइजेशन अगर प्रॉपर मैपिंग से नहीं होगा, अभी एक कुत्ते का बताया इन्होंने कि इतने सारे कुत्ते हो सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 कुत्ते हैं, 10 कुत्तों में से सिर्फ आप 2 को उठाते हैं और 2 का स्टरलाइजेशन करके बाकी को छोड़ देते हैं तो वो आपका स्टरलाइजेशन 0 है। तो प्रॉपर प्लानिंग और मैपिंग के साथ होना चाहिए। दूसरा, एक जगह पे अगर कहीं भी आप चाहे सड़क पर ले लीजिए या सोसाइटी के अंदर ले लीजिए, अगर ज्यादा क्लैशेस होंगे इंसानों और जानवरों के बीच में, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी, तो हमेशा अगर पार्क में जहां बच्चा खेल रहा है वहां पे इतने सारे डॉग होंगे तो हमेशा डॉग बाइट होगी, और इस बात को आप अगर नहीं मान रहे हैं तो ये बहुत आगे जाके बात समझ में नहीं आती। ये सवाल मैं श्रुति कृति से भी पूछूंगा, एक आपसे भी, मेरी समझ में नहीं आती, जो डॉग लवर होते हैं वो कुत्ता पाल तो लेते हैं लेकिन मैंने अक्सर देखा है वो अगर उन्हें बाहर घुमाने जाते तो उनसे कंट्रोल ही नहीं होता है, वो उसे उसको रोक भी रहे लेकिन कंट्रोल नहीं होता। भाई जब आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे अपना कुत्ता तो पालते क्यों हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए पेट डॉग के ऊपर तो आप फाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन स्ट्रे डॉग जिनको आप फीड कर रहे हैं और जिनको आप सोसाइटी से निकलने नहीं देते हैं, एग्रेसिव डॉग है उनको आप फीड करते हैं और उनको आप कहते हैं हम निकलने नहीं देंगे चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, उल्टा आप केसेस डाल देते हैं रेजिडेंट के ऊपर, उन डॉग्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या ये डॉग लवर्स लेते हैं? अगर वो डॉग बाइट होती है, मेरी सोसाइटी के अंदर जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था मोर देन 25 डॉग बाइट्स हो चुकी थी और उसके बाद जब 50 तक पहुंच गई थी लोगों को पता ही नहीं था कि कंप्लेन कहां करनी है, प्रिस्क्रिप्शन कहां देने हैं और कैसे करने हैं, तब मैंने काम स्टार्ट किया। अक्सर ये बात आती है कि कोई नियम नहीं है, क्या लगता है कि एक नियम नहीं होना, क्योंकि आप अगर आप नगर निगम में जाएंगे या पालिका से बात करेंगे तो वो ये बात कह देते हैं कि देखिए जो स्ट्रीट डॉग है उनके लिए हमारे पास कोई नियम नहीं है कि उनको हम पकड़ लें और पकड़ के फिर उन्हें कहाँ रखें, बहुत सारी चीजें। ये नियमों का भी फेर है कि नियम नहीं है, कोई ऐसे नियम बनने चाहिए जो बीच का रास्ता निकले? जी नियम बनने चाहिए, और देखिए शेल्टर होम की डिमांड हम बहुत टाइम से कर रहे हैं और बार बार नगर निगम जो है वो इस चीज को कहता है कि हम बनवा रहे हैं, हर बार ये प्रॉमिस किया जाता है हर इलेक्शन के अंदर, लेकिन आज तक वो शेल्टर होम कहाँ बना है आज तक नहीं पता है। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि भाई जिम्मेदारी कौन लेगा, भाई पेट डॉग की तो आप ओनर को ऊपर कर देते हैं लेकिन स्ट्रे डॉग्स की कोई जिम्मेदारी लेने, जो ये खाना खिलाते हैं जो अपने आप को डॉग लवर्स बोलते हैं वो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं, क्यों स्टरलाइजेशन? अगर आप मुझे बताइए, अगर सोसाइटी के अंदर या बाहर अगर
तादाद बढ़ रही है तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या डॉग लवर्स के लिए? ये काम भी मुझ जैसे लोगों को करना पड़ रहा है। अभी मैंने अभी इंदिरापुरम में ये मुहिम स्टार्ट करी है, कल से मैं आपको बताती हूँ कि कल से मैंने कितने डॉग्स को स्टरलाइजेशन कराना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ये काम जो डॉग लवर्स है, जो कहते हैं कि हम डॉग लवर्स है, ये काम आप नहीं करेंगे क्या? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? चलिए एक बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल कुत्तों से लोग परेशान है क्योंकि कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं, बड़ों को काट रहे हैं, इसलिए बड़ी बात है। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन आवार आता